की बात करते हैं तो बेसिकली ये है आपका सक्शन नोज़ल जहाँ से लिक्विड इन होता है, ये है मेरा डिस्चार्ज नोज़ल जहाँ से मेरा लिक्विड आउट होता है। आफ्टर दैट ये है इम्पेलर सेंटर पे, ये इम्पेलर बेसिकली नीचे आप डायग्राम में देखेंगे तो एक शाफ्ट के थ्रू बाहर यहाँ पे एक मोटर लगी रहती है, ये मोटर से कनेक्टेड रहता है। मोटर का काम रहता है इलेक्ट्रिकल पावर की हेल्प से हाई वेलोसिटी पे रोटेट करना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इम्पेलर को भी रोटेट करता है जिसकी वजह से सेंटर पे एक लो वैक्यूम का जोन क्रिएट होता है और लिक्विड अंदर की तरफ आपका इजिली मूव करता है। आफ्टर दैट अंदर ये इम्पेलर जो है ये लिक्विड को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, देन ये आपका वॉल्यूट चैम्बर होता है। वॉल्यूट चैम्बर का काम रहता है जो लिक्विड अंदर आया है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करके बाहर की तरफ मूव करवाना और जो भी वेलोसिटी है उसके अंदर उसको प्रेशर में कन्वर्ट करना ताकि लिक्विड इजली एग्जिट नोजल से डिस्चार्ज हो सके। देन पंप केसिंग, पंप केसिंग का काम होता है आपके पंप को लीकेज से बचाना प्लस उसके अंदर प्रेशर मेंटेन करना।